नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवम्बर को इसका अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केदारपुरी में 250 करोड़ की योजनाएं पूरी हो गई हैं। उनका लोकार्पण होना है और 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी होना है। तो केदारनाथ में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं। ऐसे में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना भी कर दी गई है, आगमन की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से केदारपुरी का निर्माण हुआ है, पिछले सैकड़ों वर्षों में इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का विजन पहले नहीं आया और उनके नेतृत्व में आज भव्य केदारपुरी का निर्माण हो रहा है। वहाँ पर लगभग 450 करोड़ की जो योजनाएं हैं, जो लगभग 250 करोड़ की योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, उनका उस दिन लोकार्पण होने वाला है और लगभग 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी होने वाला है। वहाँ पर भव्य शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है उसका भी अनावरण होने वाला है और वो पूरे देश के अंदर जो हमारे जितने ज्योतिर्लिंग हैं, 4 जो शंकराचार्य के हमारे मठ हैं और साथ में जो शंकराचार्य की जन्मस्थली है और साथ में जितने शिवालय हैं, उन सभी को उस दिन हम इस योजना से जोड़ेंगे और उसका सीधा लाइव प्रसारण होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना को प्रदेश में रिलॉन्च किया है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 साल के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन विटामिन ए और डी 45 फ्लेवर युक्त दूध उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं योजना की शुरुआत के मौके पर महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी मौके पर मौजूद रहीं। तो देहरादून की तस्वीरें, सीएम ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की है। महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी यहां पर मौजूद नजर आई हैं। देखिए, मुख्यमंत्री आंचल योजना इसके तहत बच्चों को सप्ताह में 4 दिन अब लगातार जो पोषक और मीठा दूध पिलाया जाएगा और ये आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इन बच्चों को लगभग 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये दूध पिलाने की व्यवस्था होगी, जिससे 1,70,000 बच्चे सीधे सीधे इस योजना का लाभ उठाएंगे और वो हष्टपुष्ट बनेंगे, उनको हर प्रकार के पोषक तत्व तो इस दूध से मिलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवाई मार्ग से बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ पहुंचकर सीएम ने श्री नारायण की विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की है। सीएम धामी ने कहा कि कोरोना के कारण लोगों को कई समस्या हुई है, इसलिए उन्होंने लोगों की तरक्की और खुशहाली की कामना की और कहा कि बद्रीनाथ धाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के अनुरूप दिव्य और भव्य बनाने के मास्टर प्लान की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम ने प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की है। दरअसल बद्रीनाथ धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहां पर उन्होंने श्री नारायण के दर्शन किए। गदरपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की तरफ से डिग्री कॉलेज का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर डॉक्टर नरेंद्र सिंह वनकोटी उप निदेशक उच्च शिक्षा उत्तराखंड ने बताया कि गदरपुर में 7 विषयों पर डिग्री कॉलेज में पढ़ाई होगी, जिसके लिए शिक्षक भी मौजूद हैं और जगह भी चिन्हित कर ली गई है। वहीं इस मौके पर डॉक्टर मधुवेश गुप्ता प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज गदरपुर ने बताया कि गदरपुर में 70 से 200 एडमिशन संभावित हैं और जरूरत पड़ी तो अधिक भी किए जा सकते हैं। तो कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने का शुभारंभ किया है। दरअसल गदरपुर में डिग्री कॉलेज का शुभारंभ किया गया। ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि 7 विषयों पर डिग्री कॉलेज में पढ़ाई होगी और आने वाले समय में ऐसे ही और डिग्री कॉलेज बनाए जाएंगे ताकि शिक्षा का स्तर और मजबूत बेहतर किया जा सके। क्षेत्र के लिए ये बड़े सौभाग्य का दिन है और उच्च शिक्षा के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज गदरपुर में विधिवत डिग्री कॉलेज का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री माननीय अरविंद पांडे जी के द्वारा हो रहा है। मैं निदेशालय की ओर से माननीय अरविंद पांडे जी को और माननीय धन सिंह रावत जी को निदेशालय की ओर से धन्यवाद पेश करना चाहता हूँ। जो महाविद्यालय खोला जा रहा है, इसमें शुरुआत में सर 7 सब्जेक्ट हैं, 7 विषय हैं और प्राचार्य के रूप में मैं यहाँ उपस्थित हूँ और बाकी स्टाफ जो है एक माह के अंदर जो है डायरेक्टोरेट द्वारा उपलब्ध करा दिया जाए। भूमि चयन जो है हमारे उसकी प्रक्रिया चल रही है
जो चीनी मिल है उसमें जो है भूमि का चयन किया गया है और बाकी प्रक्रिया जारी है। बहुत दिनों के बाद यहाँ के जो हमारे अभिभावक हैं, जो आर्थिक रूप से और कई बार सामाजिक कुछ अपवाद होने की वजह से हमारी बेटियाँ उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों में नहीं जा सकती थी, और यहाँ के अभिभावकों की बच्चों की बहुत लंबे अरसे से मांग थी। आज भगवान की कृपा से, हमारे क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से, आप लोगों ने मुझको आशीर्वाद दिया और हमारी सरकार ने इस महाविद्यालय की सौगात को पूरी किया है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह दो दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की तरफ से बनाए उत्पादों की जमकर सराहना की। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि उन्होंने महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की तरफ से बनाए जा रहे उत्पाद की बिक्री में बढ़ोतरी हो और उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो सके, उसको लेकर भी कदम उठाए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं पौड़ी की, जहां पर महिला स्व सहायता समूह से मुलाकात करते हुए उत्तराखंड के राज्यपाल, और यहाँ पर उन्होंने जो प्रदर्शनी लगाई हुई थी उसकी तारीफ करते हुए नजर आए। दरअसल उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह दो दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचे हुए, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की तरफ से बनाए उत्पादों की जमकर सराहना की है। साथ ही साथ उन्हें कहा कि महिलाओं की आय बढ़े, उनके उत्पादों में बिक्री हो और उसकी बढ़ोतरी हो, उसको लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्पेशली जो हमारी महिलाओं के ऊपर में निर्धारित जो ग्रुप्स हैं, उनको बहुत बारीकी से देखा मैंने, और मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि हमारी जो शक्ति है वो हमारी महिलाओं के अंदर में है, और पौड़ी की महिलाएं तो बहुत स्पेशल हैं। जो उन्होंने अपने ऊपर में एक बेड़ा उठाया है, जो हमारे सरकार ने योजनाएं, जो प्रोजेक्ट, जो प्रधानमंत्री जी ने जो प्रोजेक्ट चलाए हैं, और उनसे उनका जो एक एम्पावरमेंट हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, स्पेशली महिलाओं का, उनको देखकर आज मुझे इतनी खुशी हुई कि उनके अंदर में ये ताकत है और उनमें एक नया परिवर्तन आया है। हरिद्वार में कोतवाली पुलिस ने ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो मुंबई से आकर अपनी गर्लफ्रेंड को सरकारी खर्चे पर सारे ऐशो आराम करवाना चाहता था। फर्जी आईपीएस अधिकारी के दिमाग में वर्दी का रौब और अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी शरारत सूझी थी। दो दिन से हरिद्वार घूमने आए फर्जी आईपीएस अधिकारी का ये मामला तब खुला जब उसने कोतवाली पहुंचकर सुरक्षा कर्मी की मांग कर डाली, जिसके बाद पुलिस ने सागर वाघमारे नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक ने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने बताया कि ये युवक हरिद्वार में दो दिनों से घूम रहा था। मामला तब खुला जब हरिद्वार कोतवाली पहुंचकर युवक ने सुरक्षा कर्मी की मांगे की ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ये बता सके कि वो कितना बड़ा अधिकारी है। हरिद्वार से यह अनोखा मामला सामने आया जहां पर गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए फर्जी आईपीएस अधिकारी बन गया और फर्जी आईपीएस बनकर रौब झाड़ने के लिए कोतवाली पहुंच गया। बद्रीनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी होने के बाद से ठंड शुरू हो गई है। धाम में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। बुधवार को बद्रीनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। कई तीर्थयात्री तो ठंड की परवाह किए बिना ही झूम उठे। धाम में बर्फबारी से ठंड काफी बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम में सुबह से मौसम साफ था, लेकिन दोपहर बाद अचानक धाम में बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे निचले क्षेत्रों में बर्फीली हवाएं चलने लगी, मौसम ठंडा हो गया। बद्रीनाथ धाम में नगर पंचायत बद्रीनाथ की ओर से अलाव की व्यवस्था भी कर दी गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मौसम बेहद सुहाना बना हुआ है। जो पर्यटक, जो तीर्थयात्री यहाँ पहुंच रहे हैं वो बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। चमोली में नगर पंचायत नंदप्रयाग से अपने संसाधनों से एक निराश्रित विजेंद्र सिंह को आवास उपलब्ध कराया गया है। बुधवार को नगर पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव ने सम्मान पूर्वक एक समारोह में निराश्रित विजेंद्र सिंह का गृह प्रवेश कराया। नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी ने बताया कि विजेंद्र सिंह एक बेसहारा निराश्रित मजदूर हैं। अपना कोई नहीं होने और घर तक नहीं होने के कारण वो कई सालों से गौशाला में रहने को मजबूर था। परिसमन के बाद मंगरौली के नगर पंचायत नंदप्रयाग में शामिल होने के बाद नगर पंचायत नंदप्रयाग ने विजेंद्र की विवशता को जल्द संज्ञान में लेते हुए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान करने की कोशिश की।
आवास योजना के तहत नगर पंचायत द्वारा विजेंद्र सिंह हैं हमारे क्षेत्र के हैं ये इनको हमने आवास दिया है। और एक्चुअली क्या है कि इनका अपने कोई परिजन नहीं है जो कि आवास योजना के तहत नहीं आ पाए, इनका जो मानक था वो नहीं आ पाए क्योंकि इनकी शादी भी नहीं हुई है, बाल बच्चे नहीं है। तो इस वजह से बोर्ड में हमने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत कि इनको नगर पंचायत की तरफ से आवास दिया गया है और जब तक इनको भविष्य में कभी कोई आवास ना मिले या कुछ ना मिल पाए तो ये यहाँ पर रह सकते हैं और अब ये यहाँ पर आराम से रह सकते हैं क्योंकि इससे पहले ये गौशाला में रह रहे थे जो हम सबके लिए बड़ा दुखदायी था और आज नगर पंचायत के द्वारा इनको आवास दिया जा रहा है। हरिद्वार में अटल उत्कृष्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लांढौरा के प्रिंसिपल अरविंद कुमार ने कहा है कि एक प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व है कि वो स्कूल के वातावरण को छात्र छात्राओं के अनुकूल बनाए जिससे छात्र सक्रिय होकर शिक्षा में अपना प्रभावपूर्ण प्रदर्शन कर सके। भविष्य में वो न्यायाधीश, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस, आईएएस, इंजीनियर, शिक्षक बनकर स्कूल और उनका नाम रोशन करें। प्रिंसिपल अरविंद कुमार दुबे ने आगे कहा कि वो स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा खेल कूद में आगे देखना चाहते हैं ताकि स्कूल में पढ़ने से जो छात्र छात्राएं हैं उनका कार्यकाल याद रखा जा सके। हरिद्वार की तस्वीरें जहां पर स्कूल के वातावरण को छात्र छात्राओं के अनुकूल बनाने को लेकर प्रिंसिपल पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको बेहतर शिक्षा मिल सके, खेलकूद में वो आगे बढ़ सके ताकि स्कूल का नाम भी रोशन हो और बच्चे भी आगे भविष्य में कुछ बेहतर कर सके। मैं जब आफ्टर प्रमोशन जब वहाँ गया गधा रोड में तो वहाँ के परिवेश को मैंने देखा, स्थितियों को देखा, बहुत कुछ बदलाव की जरूरत थी, एक परिवर्तन की जरूरत। एजुकेशन है कि जब तक बच्चों के बिहेव में कोई चेंजिंग रहा है, विद्यालय के भौतिक वातावरण में चेंजिंग रहा है, एक शैक्षिक माहौल न बने तब तक कहीं कुछ हो नहीं सकता। इसके लिए एक वैलिडिटी चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूटी चाहिए। मैंने विश्वास जीतने की कोशिश की समुदाय के लोगों को क्योंकि मेरे अंदर एक इक्विटी है, मैं चाहता हूँ कि इक्विटी सबको मिलना चाहिए। के लिए नहीं आते थे बाद में और बाहर के भी जो और लोग के वो भी आ जाया करते थे, क्लास में घूमते थे, कोई व्यवस्था है ही नहीं थी। जब से प्रिंसिपल आए हैं यहाँ पे व्यवस्था है, 8 पीरियड तक बच्चे रहते हैं, छुट्टी 1:20 पे होती है, सही टाइम पे सैनिटाइजर भी होता है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है, पीरियड हमारे चलते और अच्छी तरह पढ़ाई हो रही है। अरविंद कुमार दुबे जी हैं, उनके नेतृत्व में कार्यशाला बहुत अच्छा है और मैं इनसे पहले भी इनसे भली भांति अवगत हूँ। मेरे बच्चे राजकेंद्र पुरी जी गैदौरना में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे भी उनका बहुत अच्छा मौलाना, उन्होंने वहाँ का भी बहुत सिस्टम अच्छा सुधार के रखा है, जिसमें मैं मानता हूँ कि उनका अपने गुरुजनों के साथ में जो भी है, अगर अपने जो बच्चे भेज रहे हैं गार्जियन, एक प्रधानाध्यापक होने के नाते उनके कहने का पूर्ण हक है कि वो क्लास देखें। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के मौके पर 15 से 21 अक्टूबर को महिला किसान पखवाड़ा का आयोजन किया गया है जिसका समापन हिंदू महासभा भवन दिल्ली में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय स्तर से चुनी गई 10 महिलाओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति सम्मान और प्रगतिशील महिला सम्मान से नवाजा गया है। उत्तराखंड के कोटाबाग की रहने वाली माया नेगी, जो काश्तकार विकास समिति कोटाबाग की अध्यक्ष है, उनको कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान और महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति पुरस्कार से नवाजा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस यहां पर मनाया गया जिसमें महिलाओं को सम्मान भी दिया गया है। दरअसल महिला किसान दिवस के मौके पर 15 से 21 अक्टूबर को महिला किसान पखवाड़ा का आयोजन किया गया था जिसका समापन हिंदू महासभा भवन दिल्ली में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय स्तर से चुनी गई 10 महिलाओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति सम्मान और प्रगतिशील महिला सम्मान से नवाजा गया। उत्तराखंड के कोटाबाग की रहने वाली माया नेगी को भी, जो काश्तकार हैं, विकास समिति कोटाबाग की अध्यक्ष हैं, उनको कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान, महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति पुरस्कार से नवाजा गया है। किसान कल्याण परिषद और नारी शक्ति फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस पखवाड़ा मनाया गया। इस कार्यक्रम के समापन समारोह में, जो हिंदू महासभा भवन में आयोजित किया गया, इसमें देश भर से उन प्रगतिशील महिलाओं को जिन्होंने किसानों के मदद करने का प्रयास किया है, उनको लाभान्वित करने का प्रयास किया है, तो हमारी संस्था ने ऐसी 10 महिलाओं को चयनित किया है जिनमें उत्तराखंड से माया नेगी जी को दिल्ली बुलाया गया
और इन्हें दीनदयाल उपाध्याय स्मृति सम्मान, प्रगतिशील महिला माननीय कैलाश चौधरी कृषि राज्य मंत्री द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के अवसर पर 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक महिला किसान पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसके समापन समारोह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महिला कृषक सम्मान से राष्ट्रीय स्तर पर 10 महिलाओं का इसमें चयन किया गया था और उत्तराखंड से हमारा भी इसमें चयन हुआ था। तो इस सम्मान का जो कार्यक्रम था यह हिंदू महासभागार मंदिर मार्ग नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पर इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री कैलाश चौधरी जी द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के उलानी में चल रहे धान क्रय केंद्रों पर किसानों और क्रय केंद्र प्रभारियों के बीच विवाद हो गया है। किसान और धान क्रय केंद्र प्रभारी के बीच बात इतनी बढ़ गई कि धान क्रय केंद्र के प्रभारी की तरफ से किसान के खिलाफ खटीमा कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया, जिसको लेकर दोनों पक्ष खटीमा तहसीलदार के पास पहुंचे, जहां किसान यूनियन के पदाधिकारी और क्रय केंद्र प्रभारी के बीच तहसीलदार के सामने किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने राजीनामा करवाकर सुलह करवा दी। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य अरविंद कुमार ने बताया कि किसानों और धान खरीद केंद्र प्रभारी के बीच हुए विवाद को लेकर समाधान निकाल लिया गया है, दोनों के बीच राजीनामा हो गया है, मामले का निपटारा भी कर दिया गया है। जो मैटर था एक हमारे किसान भाई के साथ कांटे पर इंचार्ज के द्वारा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसी के संबंध में आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए थे। उसमें मामला ये आया था कि किसान का धान तोड़ने के बावजूद उसके बाद उसको जो है रिजेक्ट करके किसान को वापस किया गया, जिससे उन लोगों के बीच बीच में वाद विवाद हो गया था। किसान जो है तहसील खटीमा के अंतर्गत जो उलानी में धान क्रय केंद्र था, केंद्र प्रभारी और वहीं के जो किसान थे उनके बीच में कुछ वाद विवाद हो गया था, जिसको लेकर जो है आज दोनों पक्षों में जो है आपसी सहमति हो गई है और संभावना खत्म हो गया है और जो धान क्रय केंद्र हैं वो भी जो है धान क्रय केंद्र की जो है सुचारू कर दी गई है। अब प्रशासन की गाइडलाइन होगी उसके अनुसार कार्य किया गया है। जैसे किसान और सेंटर इंचार्ज सामने हुए, वहाँ बातचीत रखी, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है और देखिए वो किसान का भी धान आधा तुल चुका था, आधे को उसने मना कर दिया था, इसी सिलसिले में तो किसान ने भी थोड़ा हाथापाई होगी, वो भी गलत हुआ और दोनों पक्षों को समझा के उसका राजीनामा करवा दिया है तो दोनों पक्ष संतुष्ट हैं। उसके लिए सर भारतीय किसान यूनियन द्वारा अपने यहाँ पे मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उनको भी हमने धान का सैंपल दिखाया था, SDM और तहसीलदार साहब को भी, सबको हमने ये बारिश के बाद की जो कंडीशन थी हमने सबको दिखा दिया था कि आने वाले समय में ये किसान का और मिलर कच्चा आड़ती और इन चार सेंटरों पे भी ये विवाद बढ़ने की संभावना है, उसी का ये नतीजा है क्योंकि तो उसमें मिट्टी लगने के बाद धान की क्वालिटी थोड़ी डाउन हुई है और इसीलिए हमने प्रशासन से ये मांग भी की है कि इसका जल्द से जल्द कोई समाधान किया जाए, जो भी इसके मापदंड है उसमें थोड़े नरम किया। लक्सर तहसील क्षेत्र के गोवर्धनपुर में बने धान क्रय केंद्र की शिकायत किसानों की तरफ से लगातार की जा रही थी और शिकायतों को लेकर लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता को एक ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसका संज्ञान में लेते हुए लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने धान क्रय केंद्र गोवर्धन का औचक निरीक्षण किया। उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि किसानों की तरफ से की जा रही शिकायत पर धान क्रय केंद्र गोवर्धन निरीक्षण किया गया, जिसमें भौतिक सत्यापन और अभिलेखों का भी निरीक्षण किया गया है। तो लक्सर की तस्वीरें जहां पर सख्त हिदायत देने के बाद भी लगातार खामियां मिल रही हैं, किसान लगातार शिकायतें कर रहे हैं, इसके बाद उप जिलाधिकारी ने धान क्रय केंद्र का उच्च निरीक्षण किया है। किसान संगठनों द्वारा गोवर्धनपुर धान क्रय केंद्र में कुछ अनियमितताओं के बारे में शिकायत की जा रही थी और इसमें ज्ञापन भी दिया गया था, उसी के क्रम में आज यहाँ पर जांच की गई तो यहाँ पर भौतिक सत्यापन किया गया और जो यहाँ पर अभिलेख हैं उनका निरीक्षण किया गया। कुछ कमियाँ पाई गई हैं, जैसे कि यहाँ पर जो स्टॉक मेंटेन किया जाना चाहिए वो पूरी तरह ठीक से नहीं मेंटेन किया गया है, साथ ही जो यहाँ पर कई स्थितियों में ऐसा देखा गया कि उसमें धान की खरीद के बाद उसको वहीं पर स्टोर किया गया है, जबकि उनको तत्काल ही राइस मिल तक भेज दिया जाना चाहिए था। साथ ही यहाँ पर लेबर की भी पर्याप्त व्यवस्था है, यानी इसके संबंध में भी जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि मस्टर रोल जो है वो यहाँ मेंटेन नहीं किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो नमूना है
उसको भी सील करके रखे जाने का प्रावधान है, पर धान का कोई भी नमूना यहाँ पर रखा नहीं गया है। तो इन सब कमियों के बारे में रिपोर्ट बना दी गई है और ये उच्च अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी। उत्तरकाशी के गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय बीजेपी नेता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य सुरेश सिंह चौहान की भटवाड़ी मंडल में जन आशीर्वाद और जन समर्थन गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र की आम जनता ने सुरेश सिंह चौहान का सहयोग और समर्थन किया। भटवाड़ी मंडल में हुई जनसंवाद गोष्ठी में क्षेत्र के सभी गाँवों से लोग आए। लोगों की भावना और ईमानदार नेतृत्व के लिए गंगोत्री विधानसभा का लगातार कई सालों से संघर्ष और समर्थन के रूप में सुरेश सिंह चौहान के पक्ष में दिख रहा है। तो उत्तरकाशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जनता ने सुरेश सिंह चौहान का समर्थन किया और ऐसे में भटवाड़ी मंडल में जन समर्थन गोष्ठी का आयोजन भी किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा संख्या में आम जनता यहां पहुंची हुई है। लगातार सुरेश सिंह चौहान का समर्थन करते हुए उत्तरकाशी की जनता नजर आ रही है। तो उत्तरकाशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सुरेश सिंह चौहान का समर्थन लोगों ने किया है, फूलमाला पहनाकर उनका पुरजोर स्वागत किया। चमोली जिले के विकासखंड दशौली में अब किसी भी आयोजन में शराब नहीं परोसी जाएगी। ऐसा करने पर महिला मंगल दल संबंधित परिवार पर कार्रवाई करेगी, साथ ही गांव में शराब पीते हुए पाए गए लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि शादी समारोह में शराब परोसने पर पूर्ण पाबंदी लगाई जाएगी। गांव में कोई भी समारोह महिला मंगल दल की महिलाओं की देखरेख में संपन्न होगा। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है कि गांव में ना तो कोई व्यक्ति शराब पीकर आएगा और ना ही किसी को शराब पिलाएगा। नेगी जी का स्वागत करती हूं और साथ में जो हमने यहां पर शराब बनने के लिए संगठन किया है, हम इसको आगे बढ़ाने के लिए मजबूत रहेंगे और कंधा से कंधे मिलाकर हम इस शराब बनने को बंद करके रहेंगे और हमेशा हम अपने महिलाओं को आगे बढ़ाने का सहयोग करते रहेंगे और आगे अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाने का सहयोग तभी करेंगे जब ये शराब बंदी होगी, और जब तक शराब बंदी नहीं होगी तब तक कोई गांव में सुधार नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आप हमारे बीच आए और हमारे गाँव में जो भी हमारे महिलाओं ने जो भी पहल की, तो मैं उन महिलाओं का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने सहयोग दिया। बिना सहयोग के तो ये काम असंभव था। जब महिलाओं ने सहयोग दिया तभी हमने ये पहल की है और हम आगे भी इस पहल को बरकरार रखेंगे। हरिद्वार पुलिस ने 24 घंटे के अंदर रेत बजरी सप्लायर की हत्या का खुलासा कर दिया। सप्लायर के दोस्त ने ही पहले ईंट और फिर कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने हुसैन नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड का खुलासा करते हुए हरिद्वार SSP योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि गुरुवार सुबह पथरी थाना क्षेत्र में सप्लायर इफ्तार का लहू उड़वान शव बरामद हुआ। शव मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई थी। पुलिस की जाँच में सामने आया कि हुसैन को ही आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया था। हुसैन को कब्जे में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ताश खेलते समय उसका इफ्तार से विवाद हो गया था, जिसके चलते गुस्से में आकर उसने पहले तो ईंट मार को से लहूलुहान कर दिया और फिर कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हाँ, इनमें से एक प्रकरण तो थाना पथरी से संबंधित है, जहाँ पर कि अभी जो दिन बीता है इसकी रात को एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी बाद में पहचान उसे गाँव के एक कड़खुर के इस्तकार के रूप में हुई थी। इसके शरीर पर काफ़ी चोटों के निशान थे, धारदार हथियारों के निशान थे। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इस केस को वर्कआउट किया है और उसका जो मुख्य अभियुक्त है हुसैन उत्तर फारूक, इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। घटना का जो कारण है वो ताश खेलते समय पैसे के लेन देन को लेकर इन दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसमें दोनों का झगड़ा हुआ और मृतक को बाद में ये लगा कि ये पुलिस में मेरी शिकायत करके और मेरे को जेल न पहुँचा दे, अक्यूज को करे, तो उसने पहले ईंट से मार के इसको बेहोश किया और फिर कुल्हाड़ी से इसको शरीर पर वार करके इसकी हत्या। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।